आप जब बड़े हो जाएंगे ग्रो कर जाएंगे, तो उसके बाद आप क्या बननाएँगे आपको उसका एक पिक्चर ड्रॉ करना है लाइक like, uh, कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई uh, बिजनेस बनना चाहता है राइट सबके अपने अपने ख्वाब हैं सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं सो so, आपको अपना ड्रीम या फिर आपका जो एम है लाइफ में जो आपको बनना है आपको यहाँ पे ड्रा करके बताना है ओके यू हैव टू डू इट ऑन योर नोटबुक नाउ come to the reading part first let's have a look uh, what this chapter is all about okay actually this chapter uh, is all about a man uh, who suddenly woke up in the land of lilliput okay that man doesn't want to go there but suddenly by incidentally uh, they went there and uh, and he bought himself uh, in the land of lilliput in a very Uh, exhausted manner okay so let's have a look on the chapter okay first come to the reading part when I woke up I realized I was lying on the seashore when I woke up jab main जागा तो मैंने realize किया मतलब मुझे realize हुआ I was lying on the sea shore कि मैं कहाँ पे lie कर रहा था मैं कहाँ पे लेटा हुआ था sea shore पे समुद्र के किनारे पे okay though I felt weak हाँ मुझे बहुत वीक फील हो रहा था आई ट्राइड टू स्टैंड अप इसके बावजूद कि मुझे बहुत वीक जो है ना वो फील हो रहा था मुझे बहुत कमज़ोरी फ़ील हो रही थी मैंने ट्राई किया टू स्टैंड अप मैंने खड़ा होने के लिए ट्राई किया ओके माई लेग्स डिड नाट मूव मेरी टांगें बिल्कुल नहीं हिली आई ट्राई टू टच माई लेग्स मैंने अपनी टांगों को टच करने की कोशिश की बट माई हैंड्स सीम्ड स्टक टू द ग्राउंड लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे हाथ हैं वो चिपक गए हैं ग्राउंड के साथ स्टक हो जाता किसी चीज़ के साथ चिपक जाना ठीक है हाँ जो हाथ है वो सिर्फ धंस गए थे दब गए थे कहाँ पर ग्राउंड के साथ में और मैं अपने हाथों को क्योंकि मैं अपनी टांगों को टच करना चाहता था लेकिन मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे थे कि मैं ग्राउंड ग्राउंड से उठ ही नहीं रहे थे कि मैं अपनी लेग्स को क्या कर सकूँ टच कर सकूँ ओके आई बस फ्राइ मैं डर गया था ठीक है आई रेस्ड माई हेड टू लुक अराउंड मैंने अपना सर उठाया इधर उधर देखने के लिए एंड वट आई सॉ और मैंने क्या देखा वॉज हार्ड टू बिलीव जो मैंने देखा वो बिलीव करने के लायक नहीं था काउंटलेस लिटिल मैन सराउंडेड मी बहुत सारे छोटे छोटे जो लोग थे लिटिल मैन लिटल मैन से यहाँ मतलब है ऐसा नहीं कि बच्चे लिटल मैन बिकॉज बात किसकी हो रही है मैन ठीक है बड़ों की बात, बात हो रही है ग्रोन अप की बट लिटल मतलब इनका साइज छोटा था ओके okay? सराउंडेड में उन्होंने मुझे घेर रखा था सराउंडेड होता है किसी चीज़ को ऐसे करके घेरना सम इवन वॉकड ऑन माई बॉडी कुछ तो मेरी बॉडी के ऊपर से चल रहे थे दे वॉज सो टाइनी दैट दे हैड यूज टाइनी लेडर्स टू क्लाइंब अप ऑन मी वो दे वर सो टाइनी वो इतने छोटे थे कि उन्होंने क्या किया था दैट दे हैड मुझे हैड की बात हो रही है ये ठीक है ना पास्ट भी और पास्ट परफेक्ट भी ओके सो दे हैड यूज टाइनी लेडर्स कि उसको क्या जरूरत पड़ गई उसको ज़रूरत पड़ गई उनको लेडर्स लगाने के लेडर्स क्या होता है लेडर होता है सीढ़ी कि उन वो इतने टाइनी थे कि उनको क्लाइम करने के लिए मेरे ऊपर क्लाइम करने के लिए उनको लेडर्स की ज़रूरत पड़ी ठीक है उन्होंने लेडर का इस्तेमाल किया था मेरे ऊपर चढ़ने के लिए टू टाई मी अप ताकि वो मुझे टाई होता है बांधना टू तो टाई मी अप मुझे बांधें विद लेदर स्ट्रिप्स और मुझे किसके साथ बांध रहे थे वो लेदर की स्ट्रिप्स के साथ ओके हैड आई ऑल ऑफ सडन बिकम अ जेंट हैड आई ऑल ऑफ सडन बिकम क्या मैं अचानक से एक जेंट बन गया था जेंट होता एक बहुत बड़ा आदमी ठीक है जिसको मतलब जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते हमारी इमेजिनेशंस में होते हैं जेंट जेंट जैसे मान के चलो जैसे हम लिटरली हम लोग सेवन फीट तक जाते हैं ना इतनी हाइट तो होती है हमारी मान लो कोई टेन फीट का इमेजिन ट्वेल्व फीट का है ना तो ऐसा और जो बहुत वास्ट हो ठीक है जो बटिस्टा से भी ज़्यादा मोटा हो है ना जिसकी बॉडी बटिस्टा से भी ज़्यादा बड़ी हो इमेजिन ठीक है तो ऐसा कुछ जेंट को हम बोलेंगे कि उसको लग रहा था कि क्या मैं इतना बड़ा जेंट हो गया हूँ सडनली मैं इतना बड़ा दानव बन गया हूँ कि मतलब ये लोग मेरे ऊपर क्लाइम करने के लिए लेडर्स लगा रहे हैं और मैन ड्राफ्स या फिर ये लोग डॉप्स हैं डॉप्स होते हैं बोना बच्चे डॉव्स किस को कहते हैं बोना ओके okay, सो so बच्चे जो आ, जो ये नरेटर है जो भी हमें बता रहा है अपने बारे में अभी तक तो हमें पता ही नहीं ये कौन है तो हम बस पढ़ रहे हैं एकदम पता चल जाएगा कि कौन है ओके तो ये बता रहा है कि या तो मैं जेंट जा, हो गया हूँ या फिर ये डवाब्स हैं डवाब्स होते हैं जो बोने लोग होते हैं गैदरिंग ऑल द करेज आई हैड लेफ़्ट इन मी और फिर मैंने सारे करेज को मेरे अंदर जितना साहस था उसको मैंने क्या क्या गैदर किया मतलब इकट्ठा किया जितना मेरे अंदर साहस बच चुका था जितना कॉरेज मेरे अंदर बच चुका था मैंने उस सबको इकट्ठा किया आई आस्क और फिर मैंने पूछा वेयर एम आई कहाँ हूँ मैं हु आर यू और तुम कौन हो स्टूड ऑन माई स्टमक रिप्लाइड और एक, एक आदमी जो कि मेरे स्टमक पे खड़ा स्टमक इन द सेंस यहाँ पे स्टमक बात हो रही है हमारी बैली से रिलेटेड ओके okay? हमारे पेट के ऊपर वहाँ पे एक जो एक आदमी खड़ा था और उसने रिप्लाई किया यू आर इन लिलीपुट तुम कहाँ पे हो लिलीपुट में लिलीपुट एक्चुअली इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस ओके बच्चे कहीं इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड मत करना कि लिलीपुट उनको कहते हैं जो ड्वाब्स होते हैं नो लिलीपुट इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव सिंस यू आर नाट लिलीपुटियन लाइक अस वी हैव टू मेक यूर प्रिजनर हाँ क्योंकि तुम जो हो एक लिली पुटे नहीं हो हमारे जैसे जैसे कि हम हैं वी हैव टू मेक यू अ प्रिजनर और हमें तुम्हें एक प्रिजनर बनाना पड़ेगा प्रिजनर मतलब बंदी बनाना पड़ेगा तुम्हें हमें हमें तुमको बंदी बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम तो लिली पुटे नहीं हो हमारे जैसे तुम लिली पुट के रहने वाले नहीं हो लाइक like हमारे रजौरी में कोई द्वार आ जाते हैं तो आप उसको बंदी बना लो और उसको बोलो सिंस यू आर नॉट अ रजोरियन लाइक अस वी हैव टू मेक यू अ प्रिजनर ओके इट बच्चा ओके okay, बच्चा सो so, आज के लिए इतना काफ़ी है है ना